इसके साथ हो गया। Welcome to Teachers Academy. This is Sayed Fatima. In today's class, we will discuss about the William Wordsworth. William Wordsworth, High Priest of Nature. And ये video आप लोग के लिए TCT, PCT, LTNet, UGC Net सभी exam के लिए beneficial होगा. आज हम Wordsworth की biography के बारे में बात करेंगे. तो delay ना करते हुए हम उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि William Wordsworth किस age से belong करते थे. विलियम वॉर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे, है ना? आवाज जा रही है सबको? आवाज जा रही हो तो सब लोग मुझे इन्फॉर्म करें. ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर, टेल मी. विलियम वॉर्ड्सवर्थ के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम उनके वर्क्स के बारे में, उनके एक एक पार्टिकुलर वर्क को हम फर्दर लेक्चर में क्लियर करेंगे. विलियम वॉर्ड्सवर्थ, पहले हम जान लें कि वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे. रोमांटिक एज रोमांटिसिज्म से आता है. रोमांटिसिज्म, जब किसी वर्ड में इज्म जुड़ गया तो वो पार्टिकुलर आइडियोलॉजी में विश्वास करने वाली बात हो जाती है. तो रोमांटिसिज्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स, है ना, रोमांटिसिज्म इज अ टर्म. रोमांटिसिज्म इज अ टर्म एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन टू क्रिएट द थिंग मोर ब्यूटिफुल. रोमांटिसिज्म इज अ टर्म. रोमांटिसिज्म एक ऐसा टर्म है जो चीजों को और खूबसूरत बना देता है, है ना? मतलब वहां से बहुत ज्यादा, मतलब उसको और खूबसूरत बना दे. व्हिच डील्स ब्यूटी, व्हिच डिलाइट्स अस, है ना? जो माइंड एंड जो आवर माइंड एंड सोल को बहुत ज्यादा डिलाइट करती है, वहां से रोमांटिक, मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन, है ना, व्हिच क्रिएट्स द थिंग्स मोर ब्यूटीफुल. तो ये चीजें हैं. तो आपको एक चीज पता चल गई कि रोमांटिक विलियम वॉर्ड्सवर्थ हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर कहे जाते हैं, और जो है ये बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज से. तो रोमांटिक एज के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे. रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री वॉज अ रिएक्शन ऑफ न्यू क्लासिकल पोएट्री, राइट? कि वो उससे पहले न्यू क्लासिकल पोएट्री का रिएक्शन है रोमांटिक पोएट्री. न्यू क्लासिकल पोएट्री में क्या होता था? नो फीलिंग इमोशन, है ना, एरिस्टोक्रेटिक मैनर की बात होती थी. एलेक्जेंडर पोप उसके पहले के रहे हैं और काफी लोग रहे हैं हाई, है ना, और लेकिन उसी का रिएक्शन ये रोमांटिक एज में है. तो यहाँ पे फीलिंग है, इमोशन है ना, और कंट्री साइड ऑफ ब्यूटी की बात करते हैं हम यहाँ पर, और काफी चीजें, मतलब कॉमन मैन की बात करते हैं, इस तरह से चीजें इसमें होती. तो ये न्यू क्लासिकल पोएट्री का रिएक्शन है रोमांटिक पोएट्री. इसमें अगर विलियम वॉर्ड्सवर्थ की बात की जाती है तो वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे थे? वो इन्फ्लुएंस थे रूसो से. रूसो का कोटेशन ही है, यू नो वेरी वेल, कि रिटर्न टू नेचर, है ना, जब वो रिटर्न टू नेचर की बात करते हैं. वॉर्ड्सवर्थ भी उनके बहुत बड़े फॉलोअर रहे हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है. और किस चीज का इम्पैक्ट रहा है इनके ऊपर? इनके ऊपर फ्रेंच रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट रहा है, जिसका मोटो ही है इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, है ना, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात. तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है. उसके बाद हम बात करते हैं कि विलियम वॉर्ड्सवर्थ के पहले प्री रोमांटिक पोएट्स पर, प्री रोमांटिक पोएट्स कौन कौन से थे. तो उसमें भी कई सारे आते हैं, जैसे जेम्स थॉम्सन का द सीजन. उसके बाद आते हैं आपके टॉमस ग्रे का द एल्गी एन एन एल्गी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड. विलियम कॉलिंग्स का ओड टू इवनिंग आ जाता है, ठीक है, ये सारे प्री रोमांटिक पोएट्स में आते हैं. उसके बाद अगर आप एक और बड़ा नाम है उसकी बात करते हैं, तो जैसे ओलिवर गोल्ड स्मिथ में क्या कहते हैं, डेजर्टेड विलेज की बात होती है, है ना. और अगर देखिए उसकी रोमांटिक पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसमें पहले ही मैंने बताया कि कंट्री साइड ब्यूटी की बात होगी, और इधर क्या कहते हैं, हेरोइक कपलेट का यूज है, कॉमन मैन की बात हो रही है. देखिए नेचर को, नेचर एज ए गाइड, गार्जियन, नर्स, ये सारी चीज वॉर्ड्सवर्थ ने कह दिया है. वॉर्ड्सवर्थ पे बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट भी किया है, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, है ना. कोई मतलब विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने को मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कमेंट किया है, शैली ने उनको मोरल यूनिक बोल दिया है, और क्या कहते हैं, और काफी लोगों ने बोला है. इसमें सिंपल सिटी की बात होती है, है ना, पुअर विलेजर्स की बात होती है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात होती है, रोमांटिक पोएट्री, जो कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं. उसके बाद अगर हम आते हैं तो विलियम वॉर्ड्सवर्थ जो है
ये जो है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रूसो, तो रूसो ने एक बात और कह दी कि मैन इज फ्री, मैन इज क्या कहते हैं, मैन बॉर्न फ्री बट चेन्ड एवरीवेयर। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है इससे विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है उनकी पोएट्री में, ये इस इन बातों का, इन चीजों का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का या रूसो के सिद्धांत का बहुत ज्यादा प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है उनकी पोएम्स को या चीजों को। हम एक एक लाइन से देखेंगे तो लिरिकल बैलेड 4 volumes में आता है, बड़ा वर्क है ना, वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इनकी बायोग्राफी पे बात कर लेते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न ऑन 7th अप्रैल 1770 एट कुकरमाउथ कॉम्बरलैंड हिल्स एंड ही डाइड 23rd ऑफ अप्रैल है ना 1850 एंड बरीड एट रिडल माउंट, यू नो। तो रिडल माउंट पे इन ये दफनाए गए थे और कुकरमाउथ कॉम्बरलैंड डिस्ट्रिक्ट हिल्स पर ये पैदा हुए थे। ये चीजें है ना, 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ और उसके बाद 23 अप्रैल जो है 1850 में इनकी डेथ होती है। इनसे पहले अब एक और चीज है जैसे कि पोएट लॉरिएट इनको कब मिला है ना, वो मतलब पोस्ट इनको कब मिली, तो इनसे पहले इनके जो है प्रेडेसर्स थे रॉबर्ट सदे और सक्सीडर्स थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन। 1843 तक 17 है ना, मतलब इनसे क्या कहते हैं 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट रहे, 1850 में इनकी डेथ होती तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन को लॉरिएटशिप दे दी जाती और इनसे बिफोर जो रहे इनके प्रेडिसर्स वो रॉबर्ट सदे रहे है ना। और 3 poets को लेक पोएट भी कहा जाता है इनका है ना, साथ में रहे और एल्डर जनरेशन के भी पोएट में भी इनका नाम आता है। यंगर जनरेशन में आपके शैली कीट्स बायरन आ जाते हैं, एल्डर जनरेशन में कॉलरिज सदे एंड वर्ड्सवर्थ आ जाते हैं। और अगर इस पे बात की जाती है तो इनकी क्या कहते हैं शादी जो है मैरिज विद मैरी हचिनसन। मैरी हचिनसन के बारे में आपको हम बता दें कि मैरी हचिनसन वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ सारा हचिनसन एंड जूडिथ हचिनसन। जूडिथ हचिनसन, सारा हचिनसन एंड मैरी हचिनसन, मैरी हचिनसन विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी और जूडिथ एंड सारा वो सदे एंड कॉलरिज है ना। तो वो सारी चीजें हैं और वो तीनों सगी बहनें थी, ये चीज भी क्लियर हो गया आपको। और कुछ और चीजें हम आपको बता देते हैं कि वर्ड्सवर्थ हैज टू डॉटर्स, ठीक है। एक उनकी बेटी डोरा नाम से रहती है, ठीक है। डोरा ऐसा बोला जाता है कि जब डोरा की डेथ होती उसी समय से उन्होंने राइटिंग स्टॉप कर दी थी है ना। और एक उनकी इलिस्टिमेट डाटर यू कैन से जो ही वाज फॉल इन लव व्हेन ही वेंट टू फ्रांस एंड मेट विद कैरोलिन एनी वेलन। ही वेंट टू फ्रांस, जब वो फ्रांस गए थे और फ्रांस में एनी वेलन से उनकी मुलाकात हुई थी, तब ही वाज फॉल इन लव विद दैट पर्टिकुलर वुमन। तो उसके बाद विदाउट मैरिज ही उनको एक डॉटर इलिस्टिमेट ही डॉटर पैदा हुई, उसका नाम था कैरोलिन विलोन। क्या ऐसा माना जाता है कि कैरोलिन विलोन के ही में उनके फिर वो फ्रांस से वापस चले आए थे इंग्लैंड, उनके घर वालों ने वक्त है ना बहुत सारी चीजें का प्रेशर था फैमिली की तरफ से, फिर कई बार उनका आना जाना रहा। जब वहां से चले आए शादी भी नहीं किया था, उसके बाद जो है वो ऐसा माना जाता है जब उन्होंने लूसी पोएम्स लिखा, उनकी लूसी पोएम्स इंटरमीडिएट में प्रेस्क्राइब्ड भी है, लूसी एक इम्पॉर्टेंट पोएम्स है। तो जो लूसी पोएम्स में जो डाटर है वो उनकी वही इमेजिनेटिव डाटर, सम क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं, ठीक है, कि वही इमेजिनेटिव डाटर है जो कैरोलिन है, उसी को मेमोरी में रख के उन्होंने वो पोएम्स लिख डाली थी। और उनकी एक और बेटी का जिक्र है जो डोरा नाम से, ऐसा माना जाता है कि डोरा की डेथ से उनकी पेन की स्टार्टिंग मतलब वो उन्होंने राइटिंग कंपोजिशन स्टॉप कर दिया था। डोरा डाइड इन 1847, यू नो। आपको काफी चीजें मैंने बता दिया और ये जो और एक चीज मैंने बताया कि ये इमेजिनेशन पे ज्यादातर है ना, फैंसी एंड इमेजिनेशन जो बात होती है तो इमेजिनेशन इनकी, मैंने बताया ना रोमांटिसिज्म कहाँ से आया, रोमांटिक एज रोमांटिसिज्म एंड विलियम वर्ड्सवर्थ कैसे उनका बिलोंगिंग है वहां से, वो सारी चीजें मैंने आपको बताया। तो रोमांटिसिज्म में मैंने आपको एक चीज बताया कि रोमांटिसिज्म इज अ टर्म व्हिच क्रिएट्स एक्सेसिव यूज ऑफ
इमेजिनेशन व्हिच क्रिएट्स द थिंग्स मोर ब्यूटीफुल, जो चीजों को और खूबसूरत बना देता है, व्हिच डिलाइट्स आवर माइंड सोल एंड हार्ट, जो हमारी माइंड सोल और हार्ट को डिलाइट करता है, आनंदित कर देता है, वो हमारा रोमांटिसिज्म होता है। और इसी ये सारी बातें इमेजिनेशन और फैंसी से बहुत ज्यादा कोरिलेट करती है। आपके एसटी कॉलेज ने बायोग्राफिया लिटरेचर लिखा हुआ, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1817, राइट? और उसमें टोटल 24 चैप्टर है, जिसमें चैप्टर नंबर 14 में वो फैंसी और इमेजिनेशन की बात करते हैं। उसमें ये चीजें आपके जो है पूछी गई है एग्जाम में, कई बार पूछी गई है कि जैसे एक ये पूरी लाइन दे दी गई थी, है ना, इमेजिनेशन डिसॉल्व डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स, तो ये किसने कहा है, या इस लाइन को किसने बोला है, या कभी कभी ये लाइन दे दी गई तो इस एक बार लेक्चरर में तो ये भी पूछा गया था कि इसका मीनिंग क्या है, है ना। तो इमेजिनेशन आप समझते हैं, इमेजिनेशन सभी जानते हैं ना, कल्पना की बात होती है। उसके आगे डिसॉल्व्स का मतलब होता है डिसॉल्व, है ना, मैं आपको डिसॉल्व का मतलब भी मिक्सअप है, और डिफ्यूजेस या डिसिपेट्स, डिफ्यूजेस टू इरेडिकेट प्री एग्जिस्टिंग सिचुएशन। डिसॉल्व का मतलब देखिए, इमेजिनेशन एवरीबॉडी नोस, है ना, और उसके बाद जो है डिसॉल्व डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स, तो टू प्री इरेडिकेट प्री एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड डिफ्यूजेस, और डिसिपेट्स का मतलब, डिसिपेट्स का मतलब टू गिव अ न्यू शेप, किसी भी चीज का नया शेप दे देना, वो हमारा हो जाता है डिसिपेट्स। ये सारी चीजें आपको और पता चल गई। अब बात करते हैं, वर्ड्सवर्थ ने पोएम्स के बारे में बहुत सारे डिफिनेशन दी है, जैसे जैसे उन्होंने ये कहा है कि पोएट्री इज द इमेज ऑफ नेचर, है ना, उन्होंने ये कहा कि पोएट्री जो है नेचर और मैन की इमेज है, ये कह दिया। फिर उन्होंने एक और उनकी बहुत फेमस कोटेशन है, जैसे कि पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये वाली भी है, उसको मतलब पावरफुल फीलिंग्स के बाद वो कहते हैं इट टेक्स इट्स ऑरिजिन फॉर्म इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी करके, ये पूरी उनकी डेफिनेशन है। और उसके बाद उन्होंने एक बार और कहा है कि पोएट्री इज द काउंटेंस ऑफ ऑल डिसिप्लिन ऑफ ऑल नॉलेज, और उनकी अपनी एक पोएम में उन्होंने कहा कि नेचर नेवर डिड बिट्रे, है ना, नेचर उसका दिल नहीं दुखाती जिसको वो चाहती है, है ना। तो ये सारी लाइन्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोली है। और वर्ड्सवर्थ के बारे में हम थोड़ा सा और जान लें, आगे चल के उनको ट्रू वर्शिपर ऑफ नेचर, मीनेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, ये सारी चीजें बोला जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है क्या कहते हैं उनके उनके बारे में ये और ये चीजें हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है पैदा होते हैं, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, सॉरी, कुछ पॉइंट्स आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द सेकंड सन ऑफ जॉन वर्ड्सवर्थ, ठीक है, ये दूसरे बेटे थे। इनकी माँ पहले से डरती थी, है ना, कि ये जो है पहले से थोड़ा सा फियरफुल थी, और बहुत बचपन में ही इनकी मदर की डेथ हो गई, लेकिन बाद में इनके फादर जब ये 14 इयर्स के थे तो इनके फादर की डेथ हो जाती है। 8 इयर्स के थे तो मदर डेथ हो गई, और 14 इयर्स के थे तो फादर की डेथ हो गई। तो इनका जो पूरा नरिशमेंट होता है वो नेचर के अंदर ही होता है, इसीलिए वो नेचर से इतना ज्यादा मतलब पहाड़ों पे रहना, है ना, आना जाना, और ज्यादातर पेड़ों के से आस, बहुत ज्यादा इनका नेचर से अटैचमेंट था, ज्यादातर मतलब फल फूल और ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा क्लोजनेस थी नेचर से, इसीलिए इनकी पोएम्स में हमें नेचुरलिज्म या नेचर से जुड़ी चीजें ज्यादा देखते हैं। ये नेचर को चार तरीके से मानते थे, है ना, पहले तो ये भी कभी कभी नेचर को एज ए गाइड गार्जियन भी कह दिया है इन्होंने, नेचर का एक लव, और ये भी है कि नेचर हमें सब कुछ देती है, है ना, मैंने पहले ही बताया कि रूसो वाला कॉन्सेप्ट जो उन्होंने कह दिया है,
और कई तरीके से ये नेचर से इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने इनकी जो बेस्ट कंपेनियन थी वो डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी, इनकी बेस्ट सिस्टर भी कह लो इनकी, मतलब काफी टाइम तक इनके साथ रही हैं लिंग्विस्टिक में, और जो है काफी टाइम इनके साथ रही। उन्होंने उनको, विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद जो है डोरोथी के बारे में कहा है कि शी गेव मी आईज शी गेव मी ईयर्स शी गेव मी आईज शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल टीयर्स, है ना। डोरोथी के बारे में वो क्या कहते हैं, शी गेव मी आईज she gave me ears and humble tears. She gave me eyes, she gave me ears and humble tears and delicate fears. I heard the fountain of sweet tears. I heard the fountain of the sweet tears and loved the thought and joy. Wordsworth tells about his sister Dorothy. डोरोथी के बारे में ये लाइन्स कही है। आपने देख लिया डोरोथी के बारे में, डोरोथी उनकी बेस्ट कंपेनियन रही है हमेशा, काफी टाइम तक उनके साथ रही है। उनके बारे में उन्होंने कहा कि शी गेव मी आई शी गेव मी ईयर्स and humble tears and delicate fears, a heart of the fountain of the sweet tears and love the throat. इस लाइन से ही पता चल रहा है कि उन्होंने कितनी ज्यादा उनके क्लोज थी, कि उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने मुझे आंखें दिया, उन्होंने मुझे ईयर्स दिया, उन्होंने मुझे आंसू भी दिया, खुशियां भी दी, सारी चीजें, मतलब इसी इतने पैराग्राफ में आप सारी चीजें समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा क्लोजनेस थी डोरोथी की वर्ड्सवर्थ के बारे में। फिर आगे आगे की बातों में आप देख सकते हैं कि वो जो है उनका लव अफेयर जो है वाटरफॉल और जूलिया में एक उनका वर्क आता है, उसमें उनकी पोएम में उनका लव अफेयर का जिक्र किया है। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि 1793 में वो इंग्लैंड से लौटते हैं, उनकी पोएम पब्लिश होती है इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, और ये पोएम जो है हेरोइक कपलेट में लिखी गई थी। आपको बता दें हेरोइक कपलेट कपलेट टू लाइन्स पोएम होती है, राइट। उसके बाद जो है इसमें ये जो पोएम थी इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये जो है एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर के अबाउट इसमें बताया गया है। आगे हम इसमें बात करेंगे तो 1795 में वर्ड्सवर्थ मेट टू कॉलेज, विलियम वर्ड्सवर्थ कॉलेज से कब मिले, 1795 में मिलते हैं। उसके बाद 1797 में वो जो है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ने प्लान किया लिंकन बैलेट को लिखने का 1797 में, और 1798 में उनका लिंकन बैलेट आ जाता है, वो फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लिंकन बैलेट होता है।
इंटरनल बैलेंस। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए स्टूडेंट, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोग को पता होंगी, लेकिन वीडियो के लास्ट तक आप लोग रहेंगे तो इससे ये पता होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी जो आपको नहीं भी पता होगी, तो इससे लास्ट तक आपको कुछ नई चीज़ें भी मिल सकती हैं, लेकिन आप लास्ट तक बने रहेंगे तब, ठीक है। लिरिकल बैलेंस, लिरिकल बैलेंस फर्स्ट एडिशन जब आता है तो ये आता है 17 आपको, और उससे पहले का पॉइंट था वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ मेट विथ कॉलरिज इन 1795 में, ठीक है, 95 में मिलते हैं एंड प्लान अबाउट लिरिकल बैलेट, लिरिकल बैलेट के बारे में प्लान करते हैं इन 1797 में एंड रोट इन 1798 में, लिरिकल बैलेट 1798 में लिख देते हैं, ठीक है। ये इनका फर्स्ट एडिशन आता है, इसमें टोटल कितनी पॉइंट थी, 19 बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय कॉलरिज, ठीक है, 19 पोएम्स। By William Wordsworth and 4 poems by S.T. Coleridge. ठीक है, इसमें चार जो है 19 जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी जाती है और 4 पोएम कॉलरिज के द्वारा लिखी जाती है। इसकी लास्ट पोएम टिंटन एबी है, राइट, लास्ट पोएम टिंटन एबी मानी जाती है, टिंटन एबी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। आगे हम आपको बता दें कि जो है इसमें जो द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, इनकी कॉलरिज की जो पोएम है, कॉलरिज की बेस्ट पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, द राइम ऑफ डिटेल्स बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ इन शॉर्ट हम इनका बायोग्राफी समझ लेते हैं, वन बाय वन इनके वर्क्स पे बात करेंगे। तो अभी बायोग्राफी पे ये सारी चीजें कि इन्होंने क्या, थोड़ा सा हम सर्वे जान लेते हैं। राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर कितने पार्ट में है, ये 7 पार्ट में है, है ना, ये पोएम जो है 7 पार्ट में है, 7 पार्ट में है, है ना। इसमें अल्बट्रॉस नाम का बर्ड रहता है जिसको मारिनर, है ना, वो एक पक्षी को शिकारी जो है मारता है, उसी के फिर अकाल पड़ जाते हैं, उसी के अबाउट इन्होंने द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर में एस.टी. कॉलरिज ने बताया है। और ये जो है इनकी 4 पोएम्स में से एक पोएम है, 19 इसमें वर्ड्सवर्थ की है, उसकी लास्ट पोएम जो है फर्स्ट जो है द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर है लिरिकल बैलेट की, और लास्ट पोएम टिंटन एबी कही जाती है। आगे इन द फर्स्ट पोएम, द पोएम ऑफ द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेट इज द वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी इज द लास्ट पोएम गुडी ब्लैक। द ऑटम 1798 वर्ड्सवर्थ कॉलरिज एंड डोरोथी ट्रेवल्ड टू जर्मनी। ऐसा कहा जाता है कि 1798 में वर्ड्सवर्थ कॉलरिज और डोरोथी जर्मनी का टूर करते हैं, उसके बाद जो है वहां से लौटते हैं तो ये फिर एक पोएम लिखते हैं, और फिर उसके बाद इनको होम सिकनेस हो जाता है, मतलब होम सिकनेस जो भी आगे लिखते हैं वो उसमें होम सिकनेस दिखाई देता है। ऑटम में, उसके बाद विंटर में 1899 में फिर वो डोरोथी के साथ गौसलर नामक प्लेस पे रहते हैं, वहां वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम और मतलब
एक्सट्रीम मतलब कह सकते हो ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एक्सट्रीम स्ट्रेस में उस समय रहते हैं जब वो वहां से वापस आते हैं गोसलर में, जब अपनी बहन के साथ रहते हैं विंटर सीजन में 1798 to 1799 में। उनकी ऑटोबायोग्राफी पोएम टू कॉलरिज, पोएम टू कॉलरिज मतलब उन्होंने 1799 में अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी पोएम टू कॉलरिज के नाम से, वो फिर आती है उसी में उन्होंने उसको द प्रिल्यूड, उसी को बाद में आगे चल के 1850 में उसका टाइटल द प्रिल्यूड नाम दे दिया आगे। और वो जो है कह लो कि पॉसिबली पब्लिश होता है, उनकी जिंदगी में वो पब्लिश नहीं हो पाया था, 1805 में लिखा गया और 1850 में जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद वो पब्लिश होता है। 1802 में ही मैरिड विद मैरी हचिंसन, पहले ही मैंने बताया कि उनकी शादी मैरी हचिंसन से होती है, मैरी हचिंसन जो है एडिथ हचिंसन और सारा हचिंसन की छोटी बहन होती है। एडिथ और सारा तीन बहनें थी, मैंने आपको बता ही दिया कि मैरी हचिंसन, एडिथ हचिंसन एंड सारा हचिंसन। एडिथ हचिंसन जो होती है वाइफ ऑफ, हम आपको बता ही देते हैं नेक्स्ट है ना, एडिथ हचिंसन, एडिथ हचिंसन सारा हचिंसन एंड मैरी हचिंसन, रॉबर्ट, ये तीन बहनें हैं, तीनों बहनें जो है रॉबर्ट सदे एसटी कॉलेज एंड विलियम वॉटसन, रॉबर्ट रॉबर्ट सदे एस टी कॉलेज यानी सैमुअल टायलर कॉलेज, सी ओ एल ई आर आर डी जी एंड विलियम वॉटसन, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आप समझ सकते हैं ये तीनों बहनें थी, तो ये तीनों रिलेटिव भी हो गए और बहुत ज्यादा क्लोज भी रहे हैं, और इनको और नाम भी दिया जाता है, आप जैसे देख लो कि इनको एल्डर जनरेशन के नाम से भी जाना जाता है, ये जो तीनों पोएट हैं आप इनको एल्डर जनरेशन कह सकते हो, एल्डर जनरेशन, ये तीनों आपके एल्डर जनरेशन के कहे जाते हैं। ये आपके एल्डर जनरेशन, और तीन जो होते हैं वो शैली कीट्स एंड बायरन, शैली शैली कीट्स एंड बायरन, ये आपके यंगर जनरेशन के कहे जाते हैं। ये आपके देखिए रोमांटिक एज के ये भी है और ये है, तो इनको ये एल्डर जनरेशन के हैं आपको ये चीजें, और इसमें शादी की बात हुई तो मैरी हचिंसन वाइफ ही विलियम वॉर्ड्सवर्थ की, सारा हचिंसन एसटी कॉलेज की और एडिथ हचिंसन रॉबर्ट सदे की, जो चीजें आपको कुछ देखिए इसमें काफी चीजें आपको नहीं मिलेंगी है ना, इसमें काफी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। देखिए कपलेट जैसे आप कमेंट है किसका है, संतोष यादव, हेरोइक कपलेट बताएं मैम, हेरोइक कपलेट देखिए कपलेट टू लाइंस पोएम होती है ना, उससे पहले देखिए वो जो न्यू क्लासिकल पोएट्री थी उसी के अगेंस्ट में रोमांटिक पोएट्री आई है, तो पहले चीजें काफी यूज होती रही, जैसे अलेक्जेंडर पोप का टाइम था कपलेट ट्रिपलेट है ना, टर्सेट जो है ये सारी चीजें होती है, कपलेट टू लाइन टर्सेट थ्री लाइन है ना, ट्रिपलेट भी होता है थ्री लाइंस का ही, और जो है ये सारी चीजें होती हैं,
और अट्टावा रीमा हो गया, तो आठ लाइन हो गया, हेक्सामीटर, वो मीटर में भी हम सीखेंगे आगे। हम आपको अभी ये जब फॉर्म्स ऑफ पोएट्री बताएंगे तो हम बहुत डिटेल बताएंगे आपको कि कपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, मीटर क्या होता है, फीट क्या होता है। वैसे हमने एक वीडियो में सारी चीजें बताया है, अगर आप उस पर देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। लेकिन हम आपको एक सर्वे में बता दें कि कपलेट टू लाइन्स पर होती है। हीरोइक कपलेट मतलब जिसमें हीरोइक डीड्स हो, हीरो के अबाउट, उसको जो है काफी चीजें उसके अबाउट जो है उसकी एडमिरेशन में चीजें बताई जाए। जैसे कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था, है ना, सारी चीजें उससे पहले, मतलब नियो क्लासिकल के अगेंस्ट में आई है ना ये, वो सारी चीजें मतलब वर्ड्सवर्थ जो है, जो रोमांटिक पोएट्री है, देखिए वर्ड्सवर्थ रोमांटिक से बिलोंग करते हैं, और जो रोमांटिक पोएट्री है ये न्यू क्लासिकल के अगेंस्ट आई है, तो वो चीजें आप देख सकते हैं और आप समझ गए होंगे मुझे जहां तक लगता है। आगे आपको देखिए एल्डर जनरेशन हो गया, यंगर जनरेशन हो गया, और ये भी चीजें क्लियर हो गई। जैसे बहुत सारा कंफ्यूजन था वो भी पता हो गया कि ये तीनों इतने क्लोज क्यों थे, इससे पता चला ये दोनों रिलेटिव भी थे क्योंकि इनकी वाइफ जो है तीनों तीनों की सगी बहनें थी, है ना, तीनों बहने थी। इसमें यंगेस्ट आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी, तो ये भी आपको चीजें क्लियर हो गई। 1802 में, 82 में इनकी शादी होती है। इनकी शादी कब होती है? 1802 में। हम लोग वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं मैरिड, इनकी शादी 1802 में होती है। उसके बाद 1803 में ये वो लिखते हैं सॉलिटरी रीपर, है ना, राइट। 1803 वर्ड्सवर्थ फाइनली विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डोरोसी वेंट टू स्कॉटलैंड, देयर दे मेट विद द सर वॉल्टर स्कॉट, एंड इन मेमोरी ऑफ द टूर विलियम वर्ड्सवर्थ रोड अ पोएम सॉलिटरी रीपर, पब्लिश इन 1807। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डोरोसी 1803 में स्कॉटलैंड जाते हैं, वहां वो सर वॉल्टर स्कॉट से उनकी मुलाकात होती है, और उस टूर का जिक्र उन्होंने किस पोएम में किया है? सॉलिटरी रीपर। वो उसी टूर के अबाउट जब सॉलिटरी रीपर लिखते हैं तो उसी का पूरा जिक्र उन्होंने सॉलिटरी रीपर में कर दिया। आगे 1803 वर्ड्सवर्थ फाइनली सेटल एंड रेडल माउंट वेर ही लिव्ड अप टू द एंड ऑफ द लाइफ। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेडल माउंट में ही परीड हुए, मतलब मौत तक वो लास्ट स्टेज में वो रेडल माउंट पे रहते हैं और वहीं पे वो दफनाए जाते हैं। वो टाइम है ना, उनकी डेथ कब हुई थी ये आपको क्लियर है 1850 में, लेकिन रेडल माउंट पे रहना कब स्टार्ट किया था तो 1803 में। ये चीजें हो गई। वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन ऑनर ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, एन ऑनर डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। इनको डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ को ऑनर मिलता है ये 1834 में मिलता है, 1834 में ये मिलता है। उसके बाद जो है 1834 में एक और इवेंट हुई थी, इन्होंने जो है दुरहम यूनिवर्सिटी, 1834 में एक और इवेंट हुई थी, ये जो दुरहम जो इन्होंने कई यूनिवर्सिटी से इनको काफी उपाधि मिली थी ना, तो 1834 में दुरहम यूनिवर्सिटी एंड 1842 में गवर्नमेंट अवार्ड सिविल लिस्ट पेंशन, और एक और इनको मिला था सिविल लिस्ट पेंशन, है ना, काफी अवार्ड से इनको नवाजा गया, सिविल लिस्ट पेंशन अवार्ड मिला है 1842 में। और ये जो है 1834 में दुरहम यूनिवर्सिटी,
राम यूनिवर्सिटी से भी इनको अवार्ड मिला है, UNIVERSITY। तो आपको ये चीजें और देखने को मिल रही है। आगे चल के इनको पोएट लॉरिएट कब बनते हैं, ये 1843 में, आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट सदे। He got laureateship. He got Tennyson got laureateship. तो आप कह सकते हैं कि विलियम वॉर्डस्वर्थ के प्रोड्यूसर्स जो थे वो रॉबर्ट सदे थे, और उनके सक्सीडर कौन थे, वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन थे। आफ्टर दैट रॉबर्ट ब्राउनिंग कंडेम्ड विलियम वॉर्डस्वर्थ। रॉबर्ट ब्राउनिंग कंडेम्ड विलियम वॉर्डस्वर्थ। क्या कहकर उनको कंडेम्ड किया है विलियम वॉर्डस्वर्थ को? रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो विलियम वॉर्डस्वर्थ की निंदा करते हैं। वो कहते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या कहते हैं, वॉर्डस्वर्थ को किसमें कंडेम किया है? रॉबर्ट ब्राउनिंग कंडेम द विलियम वॉर्डस्वर्थ इन हिज सोनेट द लॉस रीडर। एक सोनेट कहता है द लॉस्ट रीडर, रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब का, जिसमें वो विलियम वॉर्डस्वर्थ को कंडेम करते हैं फॉर एक्सेप्टिंग लॉरियरशिप। किसके लिए करते हैं? फॉर एक्सेप्टिंग, है ना? वो किसके लिए जो है करते हैं, वो लॉरियरशिप एक्सेप्ट करने के लिए करते हैं। देखिए ये सारे पॉइंट जो हैं आपके इसमें कई, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इसको जो है ना, कि लॉरियरशिप बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, डीजीटी पीजीटी यूजीसी तक पूछा गया, लेक्चरर में भी, कि वर्ड्सवर्थ कब पोएट लॉरिएट हुए, टेनिशन कब हुए, या रॉबर्ट सदे कब हुए। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि उनके प्रेडिसर्स कौन थे, उनके सक्सेसर्स कौन थे, है ना। और कमेंट में इस तरह से भी पूछ सकते हैं आपके, एक दो बार पूछा भी है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग
नहीं उनको किस किस सोनेट पे आपने उनकी उनकी कंडेम किया है, तो आपका यहाँ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो किस किस सोनेट में किया है, तो द लॉस्ट रीडर में किया है, ठीक है, और किस लिए किया है, तो ये उनको वो जो लॉरेटशिप एक्सेप्ट कर लिए थे उस लिए उनको कंडेम किया है।